नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म युद्ध। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। संसद में सुरक्षा चूक पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब इन सभी से आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 186, 353, 452, 153, 34, 120 और यूएपीए के एक्ट 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी इस बात की जांच करनी है कि ये जो घटना है उसमें आतंकी संगठन भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 2 जोड़ी जूते लखनऊ से खरीदे थे, इनको वहां लेकर जाना है। जो कलर कनिस्टर्स इनके पास से बरामद हुए वो मुंबई से खरीदे गए थे और इसीलिए इन्हें मुंबई भी ले जाना है। जांच के सिलसिले में उनको गुरुग्राम और मैसूर भी ले जाना होगा। पुलिस ने यह भी कहा कि इस घटना में आतंकी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है वो इतना आसान नहीं था कि बिना किसी प्लानिंग के ये काम कर लिया जाए।